हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है गिव द कॉमन नेम एंड आईपीएससी नेम ऑफ C2H5OH। देखो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, C2H5OH। अब इसको ब्रेक करके लिखते हैं, कार्बन कितना है, दो है, दो कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, पांच। तो सिंपल सा समझो, हाइड्रोजन पांच है, तो इस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, एक बॉन्ड बनाया है तो तीन हाइड्रोजन इसको चाहिए पूरे कंप्लीट करने के लिए। और ये कार्बन क्या है, दो बॉन्ड बना हुआ है तो इसको दो हाइड्रोजन चाहिए। तो C2H5OH है, इसको ब्रेक करके हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग कुछ कुछ चीजें को समझना होगा। जैसे यहाँ पे OH प्रेजेंट है, OH किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल को प्रेजेंट करता है। और अल्कोहल का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 और OH। ठीक है, ये अल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको आईपीएससी नेम लिखने के लिए हम लोग को क्या देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन देखना है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, दो कार्बन है, टोटल दो कार्बन है। तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्यों क्या यूज करते हैं, एक कार्बन के लिए होता है मीथ, एक कार्बन के लिए, दो कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ईथ, दो कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रॉप, चार कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट, पांच कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं पेंट। तो हम लोग को यहाँ पे कितना कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए ईथ यूज किए। अब देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कौन करता है, एल्केन रिप्रेजेंट करता है। तो एल्केन का सफिक्स होता है क्या, AnE, और अल्कोहल का सफिक्स जो होता है, अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो होता है OL, तो ये हो जाएगा OL। ठीक है, तो अब कभी भी एल्केन जब AnE लिखा होता है उसके बाद अगर कोई सफिक्स जुड़े है, तो ये E जो होता है वहां से हट जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। अब ये इसका IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम। ठीक है, अब इसका हम लोग को कॉमन नेम भी लिखना है। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम देखो ये किस ग्रुप से है, अगर यहां ध्यान से देखोगे तो इसका फॉर्मूला ROH है। R किसको रिप्रेजेंट करता है, R ग्रुप का एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। R किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्काइल ग्रुप को, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, इसका एक बॉन्ड खाली होता है जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखो सेम चीज यूज किया जाता है, बस इसका सफिक्स जो है YL इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, बाकी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन वगैरह सेम सेम रहता है। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इथ। और एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर क्योंकि एल्काइल के साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है, एल्काइल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो एल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग डायरेक्ट एल्काइल पहले लिख लेंगे। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के लिए दो कार्बन के लिए इथ और एल्काइल ग्रुप के लिए YL, इथाइल हो गया। और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्कोहल, तो इसका पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। तो ये हमारा आईपीसी नेम भी हो गया, कॉमन नेम भी हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।